बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जब मैं मैम सेक्स करने जाता हूँ ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा टाइम बिल्कुल कम हो जाता है। तो क्या आप सेक्स की दौड़ में भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कई लड़कों को लगता है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है या जो मैंने करना है वो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ, जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेटर है, जिससे मेरा पार्टनर सेटिस्फाई हो जाएगा। और बहुत से मेल्स को ऐसा लगता है कि इतने शॉट्स होंगे तो वो इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैंडर्ड टाइम वो दिमाग में लेके चलते हैं। इस तरह की भ्रांतियों को आज मैं दूर करने वाली हूँ कि कितना टाइम, कितनी जल्दी, कितने शॉट्स, कितनी पेनिट्रेशन, जिससे औरत को सेटिस्फेक्शन लगे। सारे उटपटांग के क्वेश्चंस और वो जो आपने अपने दिमाग में भर रखा है आज उसे क्लियर करेंगे। ये वीडियो सभी लड़कों के लिए है, तो डिटेल में इसे जरूर देखें। सबसे पहले बात करती हूँ रेसिंग की। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो सेक्सुअल रेसिंग करते हैं, उनको लगता है जल्दी 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 कपड़े उतारो, जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हो सकता है मैं दोबारा ना कर पाऊँ। दिस इज योर डाउट। अगर आप एक बार कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे राउंड के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर आप जल्दी नहीं कर रहे हो। फोरप्ले को ज़रूर इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन्स के साथ खेलें, प्रॉपर थर्स्टिंग करें, प्रॉपर फीमेल के ऑर्गन्स को प्लेजर दें, कंसिस्टेंटली मूव करें, मतलब वुमेन को प्रॉपरली वार्म अप करें, इनर थाइस पे ज़्यादा जाएं। आपके मैंने प्लेजर पॉइंट पे काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उसे ध्यान से देखें। तो रेस नहीं करनी है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जितना जल्दी आप ख़त्म कर दोगे या जितना जल्दी फटाफट कर लो तो दूसरी बार नहीं हो पाएगा, इसे अपने दिमाग से निकालो। इसी घबराहट और जल्दी के कारण लोग फेल होते हैं, उन्हें इरेक्शन नहीं आता और फिर उन्हें डर बन जाता है कि शायद मुझसे हो ही नहीं पाएगा, जो कि बेसिकली पेड सेक्स की प्रैक्टिसेस में हो जाता है। दूसरा, हमेशा लोग पूछते हैं मैम कितने शॉट्स देने इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी एज लेस एज 10 शॉट्स टू एज मोर देन 1000 शॉट्स, डिपेंड्स आपके पार्टनर को कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करूँगा उतना बेटर है, देन इट इज़ अ कंप्लीट फॉल्ट। ऐसा नहीं होता। आपके शॉट्स डिपेंड करते हैं आपका पैशन कितना है और आप कितनी रेगुलर पोजिशंस को बदल के उन शॉट्स को यूज़ कर रहे हैं। मोरओवर जितना फोरप्ले और दूसरी एक्टिविटीज़ और होंगी उतना ज़्यादा आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसलिए सिर्फ गिनती मत करो कि मैंने 100 किए, मैंने 150 किए। डिपेंड ये करता है आपने जितने किए अपने पार्टनर को सेटिस्फैक्ट्री लगे। ज़्यादा पेनिट्रेटिव शॉट आपके पार्टनर को पेन भी कर सकता है और नेक्स्ट टाइम मे बी परफॉर्मेंस के लिए डर भी क्रिएट कर सकता है। तीसरे नंबर पे लोग क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि मैम ये कितनी देर तक होना चाहिए। एक एवरेज इंटरकोर्स जिसमें हम पेनिट्रेशन करें हैज़ टू बी अप्रॉक्सीमेटली फॉर 13 to 40 मिनट्स। अगर आपका टाइम 1-1.5 मिनट से कम है तो वो कंसर्निंग है, और अगर आपका टाइम 5 से 10 मिनट के बीच का है देन इट इज़ एब्सोल्यूटली ओके। और ये 5 से 10 मिनट रेगुलर नहीं हो सकते। अगर आप चेंज कर रहे हो पोजिशन, आप टर्न कर रहे हो, आप ओरल से एनल जा रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो, उसमें ये प्रॉपर कंसीलिंग हो सकता है। एक एवरेज साइज 13 से 20 मिनट का हो सकता है, जिसमें आउटप्ले इनप्ले सब कुछ इंक्लूड कर सकता है। इसलिए ये जो बात है कि इतनी देर तक चला और मैंने तो इतनी देर तक किया और ये सब ऐसे होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सो आई होप मैंने आपके वो सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं जो बात करते हैं कि जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पार्टनर के अंदर जितना है, जितना आप उनके क्लिट स्टिमुलेट कर रहे हैं, जितना आप उनको रबिंग कर रहे हैं, जितना फोरप्ले है, उतना ही आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई होगी। जितनी आपको टेक्निक्स पता हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना। एक ही घिसे पिटे तरीके से चलना या ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स देने से आपका पार्टनर डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम के लिए उसे बहुत ही बोरियत सी महसूस होने वाली है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें।